हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 26 जनवरी को Redmi Note 11 सीरीज ग्लोबली मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर Redmi Note 11 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है और इस सीरीज के अंदर हमें चार स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर Redmi Note 11, Redmi Note 11S, इसके अलावा Redmi Note 11 Pro 4G और Redmi Note 11 Pro 5G, ये चार स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया गया है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 11 स्मार्टफोन की। तो फोन के अंदर 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 90 हर्ट्ज की AMOLED पैनल देखने को मिलने वाली है। साथ में Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट दिया गया है। और दोस्तों, बैक में आपको यहां पर 50+8+2+2 मेगापिक्सल के चार कैमरा मिलेंगे। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलने वाले हैं। और इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया यहाँ पर तीन वेरिएंट में, जहाँ पर 4GB रैम 64GB वाला जो बेस वेरिएंट है, इसे लॉन्च किया गया अराउंड यहाँ पर 13,400 रुपये की प्राइस पर। और इसका टॉप ऑफ द वेरिएंट आपको मिल जाएगा लगभग 17,000 रुपये की प्राइस। वहीं पर Redmi Note 11S की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चिपसेट है वो है MediaTek Helio G96 का। इस फोन के बैक में भी आपको चार कैमरा मिलेंगे, जहां पर मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, 8 का अल्ट्रावाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। और हां दोस्तों, यहां पर भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। और ये सभी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 13 पर। वहीं पर Redmi Note 11S स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात की जाए, इस स्मार्टफोन को भी लॉन्च किया गया यहाँ पर तीन वेरिएंट में, जहाँ पर इसका बेस वेरिएंट 6 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिलेगा लगभग 18,600 रुपये की प्राइस पर। वहीं पर इसका टॉप ऑफ द वेरिएंट 8GB रैम 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में लॉन्च किया गया अराउंड यहाँ पर 22,400 रुपये की प्राइस पर। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन के बारे में। तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 120 हर्ट्ज की AMOLED पैनल मिलने वाली है। साथ में 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी और Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन दोस्तों, चिपसेट आपको यहाँ पर सेम मिलेगा MediaTek Helio G95 का। और इसके अलावा बैक में जो कैमरा सेंसर है वो भी आपको सेम मिल जाएंगे 108+8+2+2 मेगापिक्सल के, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर बात कर ले पावर हाउस की, तो 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर 67 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट होने वाला है, साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर और एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 13 पर स्मार्टफोन को भी लॉन्च किया गया है। वहीं पर अगर बात कर ले स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी हमें यहाँ पर तीन वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, जहाँ पर 6 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिलता है अराउंड यहाँ पर 22,000 रुपये की प्राइस पर। वहीं पर इसका 8 और 128 वाला वेरिएंट लॉन्च किया गया 26,000 रुपये की प्राइस पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सीरीज के टॉप ऑफ द वेरिएंट, यानी दोस्तों Redmi Note 11 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सेम डिस्प्ले मिल जाएगी 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ में 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पर आपको 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलने वाली है, Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है और लगभग आपको यहां पर 1200 nits की ब्राइटनेस मिल जाएगी। दोस्तों, जहां तक बात है स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट आपको यहां पर मिलने वाला है। साथ ही साथ बैक में आपको यहां पर 108+8+2 मेगापिक्सल के तीन कैमरा मिलेंगे, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 67 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। और दोस्तों, स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च किया गया यहां पर 13 5G बैंड के साथ में। और स्मार्टफोन के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलने वाला है। जहां तक बात है स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इसे भी लॉन्च किया गया यहां पर तीन वेरिएंट्स में, जहां पर इसका बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा 6GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में अराउंड यहां पर 22,600 रुपये की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों, इंट्रोडक्टरी प्राइस पर स्मार्टफोन को परचेस किया जाएगा यहां पर 22,400 रुपये की प्राइस पर। वहीं पर इसका टॉप ऑफ द वेरिएंट लॉन्च किया गया 8GB रैम 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 28,400 रुपये की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों, इंट्रोडक्टरी प्राइस पर इस स्मार्टफोन को ग्लोबली यहां पर परचेस कर सकते हैं 26,000 रुपये की प्राइस पर। तो दोस्तों, इन स्मार्टफोन्स के साथ यहाँ पर MIUI 13 को भी ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। और जिसका मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पर बहुत जल्द MIUI 13 का जो अपडेट है वो बाकी सारी डिवाइसेस के लिए भी बहुत जल्द मिलने वाला है। वहीं पर दोस्तों, Redmi की बात हो ही रही तो बात कर लेते हैं Redmi के स्मार्ट बैंड प्रो की। गाइस, इसको भी लेकर के आज कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है कि ये जो बैंड है ये हमें 9 फरवरी को ही इंडिया के अंदर लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, जिस दौरान दोस्तों यहां पर Redmi का Note 11S स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। तो उसी के साथ में यहां पर Redmi का स्मार्ट बैंड प्रो को भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जहां पर 1.47 इंचेस की AMOLED पैनल होने वाली है, AOD जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, 450 nits की ब्राइटनेस होने वाली, 14 दिन का बैकअप और 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स होंगे। साथ में आपको यहाँ पर 50 प्लस फेसेस देखने को मिलने वाले, हार्ट रेट, SPO2, स्ट्रेस स्लीप मॉनिटर जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, आपको यहाँ पर इस वॉच के अंदर मैग्नेटिक चार्जिंग के साथ में 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और ये वॉच आपको कैसी देखने को मिलने वाली है, इसके यहाँ पर कुछ रेंडर्स वगैरह भी सामने आए हैं। साथ में दोस्तों, स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन भी सामने आई, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
चलिए अब अपने कदम बढ़ाते हैं यहाँ पर सैमसंग की तरफ। और दोस्तों आज यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A33 5G और A53 5G ये दोनों स्मार्टफोन ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिए गए हैं, जिससे दोस्तों इन स्मार्टफोन्स का ग्लोबल और इंडिया लॉन्च आज यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है। बहुत जल्द ये दोनों स्मार्टफोन्स हमें अब ग्लोबली और इंडियन मार्केट में अब देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 और इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 अल्ट्रा के साथ साथ S22 प्लस इन सभी स्मार्टफोन्स के जो ऑफिशियल रेंडर्स हैं, यानी इन स्मार्टफोन्स के जो कलर वेरिएंट्स आने वाले वो यहाँ पर लीक हो चुके हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन्स हमें कौन कौन से कलर ऑप्शन के साथ में और किस तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर लेनोवो की तरफ, और लेनोवो की तरफ से लेनोवो हालो ये जो स्मार्टफोन है ये भी बहुत जल्द आने वाला है। और आज यहाँ पर स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक और साथ ही साथ स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस वगैरह लीक हो चुकी हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फोन के अंदर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली OLED पैनल होने वाली है, जहाँ पर 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 3 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट होगा। यहाँ पर आपको Snapdragon 8 Gen 1 का लेटेस्ट वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 8, 12 और 16 GB के RAM वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पर LPDDR5 की RAM होगी। साथ ही साथ 128 और 256 GB की इनबिल्ट स्टोरेज होने वाली है, और यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। कैमरास की बात करें तो बैक में 50+13+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा होंगे, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, 5000 mAh की बैटरी और 68 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट होने वाला है। और ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 8mm की थिकनेस के साथ में। और दोस्तों आज यहाँ पर स्मार्टफोन के रेंडर्स वगैरह भी लीक हुए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यार OnePlus की तरफ से अभी तक यहाँ पर OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द यहाँ पर OnePlus 10 R स्मार्टफोन भी आने वाला है। और आज यहाँ पर स्मार्टफोन के कुछ डिज़ाइन के रेंडर्स वगैरह लीक हुए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये आपको लगभग यहाँ पर ओप्पो के रेनो 7 सीरीज़ की तरह देखने को मिलने वाला है। लिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर Realme की। तो दोस्तों Realme की तरफ से Realme GT2 और Realme का C31 ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही जल्द एशियन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, और आज ये स्मार्टफोन यहाँ पर मलेशिया की सिरिम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिए गए हैं, जिससे दोस्तों यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका कि ये दोनों स्मार्टफोन हमें इंडिया के साथ साथ बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं पर अगर बात कर ले मोस्ट अवेटेड Realme 9 सीरीज़ के 9 Pro और 9 Pro Plus स्मार्टफोन की, दोस्तों तो यहां पर इस सीरीज़ की लॉन्च डेट को क्लियर कर दिया गया है। ये स्मार्टफोन्स हमें 15 फरवरी को ग्लोबली लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज आप मुझे बताइए, क्या आप यहां पर Realme 9 Pro या फिर Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, वो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है ये स्मार्टफोन में किस प्राइस पर देखने को मिलेंगे, वो भी कॉमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है यार, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।